हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं डायरेक्टली व्लॉग शुरू करेंगी। सो सॉरी गाइज, आप लोग बार बार मुझसे कह रहे थे कि आपने जो चुचू के साथ लास्ट व्लॉग बनाया था आपने डे आउट नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे कुछ इशूज़ थे, उसके बाद आहत की तबीयत ख़राब हो गई, अभी तक स्टिल आहत की तबीयत ठीक नहीं है और व्लॉग बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। इस चीज़ में मैं आप लोगों से माजरत खा हूँ। उसके साथ साथ आप लोग कह रहे हैं कि रूम टूर दे दें। रूम टूर भी मैं नहीं दे पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि कभी तो मेरा रूम सेट होता है तो मैं बना नहीं पाती और कभी मेरा रूम सेट नहीं होता। अभी मैं वापस से दोबारा से क्लीन कर रही हूँ सेट, मतलब इन सेंस की सफाई नहीं हुई होती, सारी चीज़ें नहीं हुई होती जगह पे, तो मैं अभी उसको जो है वो क्लीन कर रही हूँ। और होपफुली अगर मैंने टाइम पे क्लीन कर लिया तो मैं टाइम पे जो है वो आप लोगों को व्लॉग बना के आज दे दूँगी, और अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो आई एम सॉरी, बट फिर भी स्टे ट्यून विद मी। सो लेट्स सी क्या होता है आज। एक मिनट, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिसका नाम है परीपल्स। जी हाँ, ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन गेम्स खेल के बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं और साथ के साथ वर्ल्ड कप के लाइव मैचेस पर बैट लगा के और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पर डिपॉजिट और विदड्रॉ कैसे हो, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर इजी पैसा, जैस कैश और बैंक अकाउंट की सहूलियत भी मौजूद है, तो उस चीज़ की फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं जो कि है जिमी, तो उस पर आप लोग हासिल कर सकते हैं 40K का बोनस। जी हाँ, 40K का बोनस आप लोग रिसीव कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, अभी जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और अभी के अभी बन जाइए अमीर। ये जो है वो मैं अपने कमरे की तरफ आके ना क्लीनिंग कर रही हूँ। बेसिकली इट्स नॉट माय रूम, बट ये रूम जैसा ही है। ये मेरी अलमारी साहिबा है जो कि अभी मैं इसमें कपड़े रख चुकी हूँ, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सेट करनी है, ये सेट हो जाएँ तो फिर हम रूम टूर भी कर लेंगे, क्योंकि रूम की कंडीशन अभी बहुत ख़राब है। और ये देखो कचरा फैला हुआ है, सारा कचरा फैला हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने उतार के रखी हुई हैं, ड्रॉज वगैरह साफ़ करने हैं। और ये चुच्चू लेट के जो है कार्टून देख रहा है। तो सही हो गए आप, पक्की बात है? मैं रोहा के साथ मैगी खा रहा हूँ, रोहा को देखो, रोहा के साथ मैगी खा रहा हूँ, कर रही हूँ सब कुछ सही, कर रही हूँ सब कुछ सही करूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी क्या होता है। वैसे भी वेदर बहुत ख़राब चल रहा है, उसकी वजह से तब तकरीबन सबकी तबीयत ऑफ चल रही है। चुच्चू तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, अभी जाके अल्लाह अल्लाह करके उसकी मेडिसिन वगैरह उसको टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बेटर हुआ है, उसको बुखार वगैरह उतरा है। मेरा भी फ्लू है, मुझे भी पेन होता है बॉडी में, मेरा भी कभी एक दो दिन फीवर था, उसके अलावा भी फ्लू के साथ नज़ला बहुत बुरा हो रहा है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो मौसम की वजह से हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। यहाँ ठंड पड़ती है नहीं पड़ती, मौसम तो अजीब बहुत ड्राई चल रहा है, बट ठंड नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्टिल गर्मी ऑन पीक है। और लेट्स होप कि कुछ हो जाए कराची के अंदर, नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं, इसी जिंदाबाद उसी को चला के सर्दी महसूस कर लेंगे। बट आप लोग बताएं, आप लोगों का नवंबर कैसा स्टार्ट हुआ है, कैसा चल रहा है, और व्हाट अबाउट वर्ल्ड कप? लास्ट होप है 11th of November, इंशाल्लाह के कुछ मौजज़ा हो जाए, इंशाल्लाह के सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान पहुंच जाए। मैं दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी दुआएं करें, दुआ हर चीज़ को जो है वो पलट देती है, तो इंशाल्लाह हो जाए तो बहुत खुशी होगी। और ऐसा मौजज़ा हो कि सेमीफाइनल टू फाइनल टिकट कट जाए उसकी, और पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमेशा और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, तो पॉजिटिव ही होगा। सो देखते हैं 11th of November को। फाइनली इस टाइम पे मैंने अपना रूम फुल एंड फाइनल क्लीन कर लिया है, जिस जिस जगह से मैं सफाई कर सकती थी मैंने वहाँ से सफाई कर ली, और अब हम जाने वाले हैं आपको रूम टूर करवाने के लिए। अभी मैं आपको सिर्फ मतलब कि नॉर्मली रूम टूर करवाऊँगी, लाइक पूरा डिटेल में नहीं दूँगी, इतना टाइम नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ ऑलरेडी।
और आप लोग मेरी मास्टर वाली हालत भी देख सकते हैं। और मैंने अभी ये वाला सेक्शन भी जो है वो साफ़ करना है, ये भी मैंने नहीं किया है। तो मतलब कि जो नॉर्मली ऊपर ऊपर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मैं आपको उस तरह से रूम टूर करवाऊँगी, सब कुछ डिटेल्स नहीं दे सकती। डिटेल हम लोग फिर नेक्स्ट व्लॉग्स करते जाएंगे। सो चलते हैं हम अपने रूम। तो गाइस फाइनली मैं अपना रूम आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। अच्छा, ये मुझे इंस्टाग्राम के पेज पे मिला था, मतलब पेज था, उन्होंने साइन किया था, तो ये मैंने अपने डोर पे लगा दिया है, शिताज खान बॉस लेडी। यस आई एम। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली दिस इज माय रूम एंड ये है मेरा रूम। और आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे पता है कब रिसीव हुआ था, मतलब ये एक साल पहले मुझे रिसीव हुआ और इसका मैंने अभी तक व्लॉग नहीं बनाया गाइस। शेम ऑन यू शताज। सो बेसिक इसकी ना मैं प्रॉपर तरीके से जो वीडियो है ना वो भी पोस्ट करूँगी, मतलब इसके अंदर डालूँगी और आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। सो ये मेरा रूम है गाइस। और जो मतलब पहले जिस तरह की सेटिंग थी, क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज की है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में दिखा दूं, ठीक है। यहाँ लेटे हुए, यहाँ पे जो है वो कार्टून देख रहे हैं। तो ये मेरा बेड है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा एस्थेटिक शॉट्स ले लेते हैं, मुझे कुशन्स बहुत पसंद है तो इसलिए मैं कुशन्स जो है वो बहुत ज़्यादा रखती हूँ। और इसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को लाइट्स ऑफ करके भी दिखाऊंगी कि लाइट्स ऑफ करने के बाद कैसा जो है वो इम्पैक्ट आता है मेरे रूम का। और ये मैंने लगाए हुए हैं थोड़े से कुछ यूं, ये मेरी पिक्चर है और ये और वो वाला जो पिक्चर है ना, ये वाला जो पिक्चर है, ये मुझे जो है ना वो इंस्टाग्राम पे जो पेज है ना मैंने सेंड किया था, जो मेरा अभी डोर पे लगा हुआ है। ये मेरा वॉशरूम है, वॉशरूम में इतना कुछ खास नहीं है इसलिए। और ये जो है ना, ये मैंने बहुत मुश्किलों से और बहुत ही जो है ना टाइम लगा के डेकोरेट किया था। इसमें से मेरी जो ये वाली कैंडल्स है ना, ये अभी टूट चुकी हैं दो, तो इस वजह से फिर मुझे ये वाली ला के रखनी पड़ी है, ये तीन। और मुझे कैंडल्स का बहुत शौक है तो मैंने इसलिए सारी ला के यहाँ पर जमा कर दी हैं। ये एक छोटा सा वास है, ये बास्केट है, और ये टिश बॉक्स ऑब्वियसली, और ये एक वास, ये और ये मुझे जनाब ने दिया था ताज, तो मैंने कहा था यही रख लिया जाए। क्या मुसीबत है, एक तो ये लाइटनिंग इफेक्ट जो होता है ना वो ज़्यादा लगता है। अच्छा, पर्दा मैंने जो है ना क्या नाम है वो दूसरा वाला वाइट कलर का नहीं होता, लाइक जो क्रिंकल टाइप कपड़ा होता है वो चाहिए था मुझे, बट वो मिला नहीं। तो फिर हम लोगों ने एक ये क्रीम कलर का पर्दा लेके उसके ऊपर मैंने ये ब्लैक नेट वाला पर्दा जो है वो डबल करके लगाया है, तो ये होपफुली अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। और ये वाली भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी मैं बहुत सारी चीज़ें जमा करके लाई हूँ। ओ बुक्स भी आप लोगों ने देखी होंगी, बुक्स पढ़ने का मुझे शौक है इसलिए मैंने सोचा कि बुक्स ला के रखूँ। ये मेरा प्लांट, ठीक है। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे पर्पज़ के लिए थी बट वो नहीं हो पाई, तो इस वजह से फिर मुझे इस तरीके से रखना पड़ा। सो दिस इज़ माई वैनिटी, ओके, ये मेरी वैनिटी है। ये मेरा परफ्यूम कलेक्शन, ये सब जो है ना पूरा का पूरा जो ये ड्रास के अंदर क्या है, ड्रॉर्स के अंदर जो भी इनके अंदर क्या है वो सब जो है ना मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल और सॉरी मेकअप ट्यूटोरियल कर लूँ वैनिटी टूर भी दूंगी। और ये मेरी जो है वो यूज़ की चीज़ें हैं, लाइक जैसे परफ्यूम्स वगैरह, ये लोशन वगैरह, और ये हेयर केयर हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मुझे फेस के लिए चाहिए होता है, ठीक है, ये पीछे टॉवल वगैरह टंगे हुए हैं। उसके अलावा ये टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर चार्जर वगैरह रखते हैं, जो कि अभी यहाँ रखता है रखा हुआ है, सॉरी गाइस। और ये वाला जो मिरर है ना, ये मैंने बहुत मुश्किलों से सजाया था, पता नहीं, और ये मिरर मैंने बहुत मुश्किलों से सजाया था। और ये जो है ना बड़ी मुश्किलों से लगाई थी लेकिन खैर लगा ली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे करनी थी जो मैं नहीं कर पाई। सो दिस इज़ माय रूम, और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी जो मैं नहीं कर पाई हूँ, तो वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी किसी दिन जब मैं वैनिटी टूर करवाऊँगी आपको, तो उस दिन कर बता दूँगी। उसके अलावा कमरे में जो ड्रॉर है, वार्डरोब मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसका टूर भी देना है, तो वो नहीं आ सकता था कमरे में, या तो वो आता या तो बैठ आता, तो मुझे बेड ज़रूरी था। और
ये ड्रॉर्स वगैरह चाहिए थे और वैनिटी लाजमी करवानी थी, तो अगर मैं एक साइड पर अलमारी कर देती पूरी तो बेड नहीं रख पाती, और बेड जिस तरह मैंने बनवाना था वो पिक्चर भी मैं साथ में अटैच करूँगी वो नहीं बन पाया। मैं बहुत सारे पायरेट्स मंगवाए थे कि उस टाइप का बेड बनाऊँ, बट कमरा खुला और बड़ा होना चाहिए था और उसके लिए मेरे पास ऐसा कोई कमरा था नहीं, तकरीबन जो है ना साइज के कमरे हमारे पास, तो इस वजह से ऐसा हो गया। और उसके अलावा अभी जो मैंने मतलब जो फर्स्ट टाइम मैंने रूम जिस तरीके से डेकोरेट किया था उसकी वीडियो भी साथ में अटैच करूँगी, फिर सेकंड टाइम जब मैंने रूम को दोबारा चेंज किया था वो भी मैं अटैच करूँगी, थर्ड टाइम का ये है जो आप लोगों ने देख लिया। बेसिकली उसमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, बट ये है कि कुछ सेटिंग जो है ना वो थोड़ी बहुत चेंज थी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर लाइट ना हो, इनकेस जो मेरे पास बैटरी वाली जो लाइटें हैं तो ये घास फूस लगाए हुए मैंने, ये अगर लाइट ना हो तो लाइट जला के कैसा जो है ना इफेक्ट देती है, बहुत अच्छा देती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये वाली लाइट्स चलती है जो कि सेल के ऊपर चलती है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है के साथ भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन बहुत 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 वीवीआईपी वाला जो है ना सीन होता है इनका। तो होपफुली आप लोगों को मेरा रूम बहुत पसंद आया होगा। तो अभी आफ्टर विदाउट लाइट्स भी देख लें आप लोग, देख कर बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है आप लोग का मेरा रूम। सो हेयर आर वी, ये लैम्प मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव दिस लैम्प, और ये मैंने बहुत मुश्किलों से ढूंढ के लिया था। तो ये जब लाइट ना हो तो फिर आप इस तरीके से बत्तियाँ खोल सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है ये मेरा जो वैनिटी है, ठीक है। इसके अलावा जो लाइट्स यहाँ पे लगी हुई थी ये मैंने बड़ी मुश्किलों से लगाई थी गाइस, एक मिनट नाउ अच्छा लग रहा है, होपफुली बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे चांद तारे जिनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये मेरे चांद तारे हैं गाइस, जो अच्छा लग रहा है। मैं इसको स्टेयर वाला ही रखती हूँ, अगर मुझे इनके इसका भी जलाना पड़ा तो ये वाला, ये इस टाइप का होता है। इस साइड पे मैंने पहले बेड रखा था क्योंकि मुझे यहाँ पे पर्दा लगाना था, लाइक पर्दा नहीं वो लाइक वो जो बार्बीज और प्रिंसेस का रूम नहीं होता उसके अंदर जो बेड बने हुए होते हैं उस तरीके से, बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, जो आप सोचते हैं हमेशा नहीं होता। एक मेरा जो है ना ये वाला जो है ये वाला भी बहुत प्यारा लगता है मुझे, जो मैं लेकर आई थी बड़ी मुश्किलों से मिला था यार ये भी, और ये भी मैंने बहुत टाइम लगाने के बाद डेकोरेट किया था। इन लोगों की ना अभी लाइट थोड़ी सी कम हो गई या पता नहीं लग रही है ऐसे। और एक चीज़ ये अभी आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी, इसको बंद करना पड़ेगा, अभी इसको बंद कर दिया है हम लोगों ने, ये दिख रहे हैं आप लोग, ये वाला पार्ट मुझे बहुत मज़े का लगता है क्योंकि इसके अंदर भी मैंने लाइट्स डाली हुई हैं, ठीक है ना। तो ये मैं लपेट रही थी बट लपटा नहीं अच्छे से, तो बस फिर मैंने कहा चलो छोड़ो गाइस। तो बेसिकली लाइट्स ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का लुक होता है, और लुक नाइस, वेरी नाइस। सो तो ये जितनी भी डेकोरेशन की गई है, पूरा रूम डेकोरेट किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शाताश खान ने किया है और किसी ने भी नहीं किया है गाइस, और किसी ने हाथ नहीं उठाया। हाँ, मैंने सबसे मशवरा लिया था, मैंने सबको कहा था कि ये कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, मैं ऐसे रख दूँ ऐसे रख दूँ ऐसे कर दूँ ऐसे कर दूँ, तो मुझे सब ने मशवरा दिया। ये मिरर जो बनाया है बैठ के मैंने ही बनाया है, उसके अलावा हर जगह की लाइट्स मैंने सेट की है, मैंने खुद लगाया है, पर्दा ठहरा मैंने डेकोरेट किया, अपनी वैनिटी पूरी मैंने डेकोरेट की है, वो सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मेरा हाथ पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह ये वो सब मैंने किया है। बेड का जो आपने व्यू देखा है उसके ऊपर जो वो रखे हैं मैंने फर वाली जो कंबल और उस तरीके से वो जो ऊनी रजाई टाइप नहीं होती वो सब भी, मतलब मुझे इस तरह का बेड चाहिए था, बेसिकली मुझे बेड दूसरा चाहिए था बट फिर मैंने इसको इस तरीके से बना लिया। अब वो मैं नहीं बता सकती, आप लोगों को नहीं समझा सकती, वो एक्सपेरिमेंटल ही पता लगेगा आप लोगों को। और उसके अलावा होपफुली आप लोगों को मेरा रूम अच्छा लगा होगा लाइट जलाने के बाद भी और लाइट बंद करने के बाद भी। तो ये था मेरा रूम टूर,
छोटा सा मिनी सा रूम टूर है, कोई इतना डिटेल नहीं दिया मैंने इसमें, क्योंकि अभी आप लोगों को वैनिटी टूर मिलेगा। उसके अलावा ड्रॉर्स जो मैंने बनवाए स्पेशली, वो किस लिए बनवाए हैं, उसमें क्या क्या थिंग्स मैं रखती हूँ, उसका जो है ना क्या नाम है, वो पूरा टूर करवाऊँगी। उसके बाद मेरी वार्डरोब कहाँ है, उसके अंदर क्या क्या है, वो वाला टूर भी रहता है। तो वो बाहर है, वो वाला एरिया अच्छा नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, वरना मैं आप लोगों को आज अपना वार्डरोब भी दिखाती कि ये मेरा इतना 7 फुट 8 फुट जो है ना वो लंबी वार्डरोब बनवाई हुई है, जो कि मैं अपने कमरे में नहीं रख पाई हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपने देख ली। लैम्प नहीं ऑन किया था हमने, लैम्प नहीं ऑन कर सकते थे गाइस, क्योंकि लैम्प जो है वो एक जगह से हल्का सा क्रैक हुआ हुआ, उसकी जो वायर है वो लेके जानी पड़ती है स्विच बोर्ड में लगाने के लिए। स्विच बोर्ड में अच्छा आप अपना चार्जर लगा के कार्टून देख रहे थे। सो नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या है मेरे पास, कौन कौन से परफ्यूम्स और कौन कौन सा मेकअप है, और उसके अलावा मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो उसके अलावा अभी अल्लाह हाफिज़, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा प्यार बरसाइएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, विद मी, सॉरी विद अस मतलब हम सब यूट्यूब फैमिली के साथ। और हाँ, लास्ट में ये कि मैं आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल भी दूंगी, आईलाइनर ट्यूटोरियल, मेकअप ट्यूटोरियल, लिपस्टिक ट्यूटोरियल, जो जो ट्यूटोरियल्स आप लोगों ने कहे हुए हैं मुझे सब याद है, बस मुझे टाइम मिलने दो गाइज, मैं यूं पट 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 व्लॉग बना के डालूंगी आप लोगों के। लेकिन 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 टाइम की गेम है सारी, अगर मुझे टाइम मिलता भी है तो मुझे इतनी लेजीनेस हो रही होती कि मैं सो रही होती, पर जाते जाते वही ना पाकिस्तानी इंडियन की तरह बातें करने लगे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे बाद में नेक्स्ट व्लॉग में।